मुकेश सहनी जीत चुके हैं कुढ़नी, जिन्हें है इस बात पर डाउट उनके लिए खुला है डिबेट का ये ऑप्शन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मैं पुरुषोत्तम आपका स्वागत करता हूं आज के इस एक्सक्लूसिव खबर में। जी हां, मैं जिस एक्सक्लूसिव खबर की बात करने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद थोड़ा तो हैरान आप भी होइएगा, और वो खबर ये है कि मुकेश सहनी कुढ़नी जीत चुके हैं। जी हां, मुकेश सहनी कुढ़नी जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। कैसे जीत चुके हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और अगर जिन्हें डाउट है इस बात पर उनके लिए मैं ऑप्शन भी दूंगा कि आकर के वो हमसे डिबेट कर लें। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या वजह है, मैं ये सारी चीज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो मुकेश सहनी कुढ़नी जीत चुके हैं, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। जिस तरह से मुकेश सहनी कुढ़नी उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं, दमखम के साथ लगे हुए हैं, उससे तो साफ जाहिर हो ही रहा था कि मुकेश सहनी फैक्टर कुढ़नी चुनाव में करने वाला है। कुढ़नी के उप चुनाव में नीलाब सिंह को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। पिछले दिनों मेरे साथी ने आपको बताया भी था कि मुकेश सहनी ने 50 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की थी, वो इसलिए कि कोई भी दूसरी पार्टी अगर मेरी तरफ चुनाव में प्रचार प्रसार कर रही है तो आए और हमको साबित करके दिखा दे, मैं उसको 50 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन अभी तक कोई पार्टी, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी जाकर के यह साबित नहीं कर पाया है कि मुकेश सहनी से अच्छा प्रचार दूसरा पार्टी यानी महागठबंधन और भाजपा वहां कर रही है। एक पैमाना तो यह हो गया। दूसरा पैमाना मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि मुकेश सहनी कुढ़नी जीत चुके हैं, जिसे सुनने के बाद आप निश्चित हैरान हो जाइएगा, क्योंकि मुकेश सहनी ने जिस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला कुढ़नी के उपचुनाव में लगाया है, शायद इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का समीकरण किसी दूसरे चुनाव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब तक का सबसे बड़ा यह फॉर्मूला कुढ़नी के उपचुनाव में मुकेश सहनी ने लगाया है, और वो फॉर्मूला ये है जिसके बारे में मैं अभी तक आपको बताने के लिए कह रहा था। वो फॉर्मूला ये है कि अगर भाजपा चुनाव हारती है तब भी मुकेश सहनी की कहीं ना कहीं जीत होगी, और अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है फिर भी मुकेश सहनी की जीत होगी। यानी भाजपा की हार मुकेश सहनी की जीत, महागठबंधन की जीत मुकेश सहनी की जीत, और मुकेश सहनी के पार्टी के विधायक के प्रत्याशी नीलाब सिंह की जीत, तो वीआईपी और मुकेश सहनी की बल्ले बल्ले। तो आपने देखा कि किस तरह से तीनों तरीके से मुकेश सहनी को फायदा पहुंचने वाला है। अगर कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा चुनाव हार जाती है तो मुकेश सहनी कल होकर के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उस कॉन्फ्रेंस में आपको कहते हुए नजर आएंगे कि हम तो भाजपा को चुनाव हराने के लिए लड़े थे। वास्तव में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का मकसद भाजपा को पराजित करना है। दूसरा, अगर महागठबंधन यानी जदयू का प्रत्याशी कुढ़नी का उपचुनाव जीतता है फिर भी मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि मैंने इन्हें जिताने के लिए और भाजपा को हराने के लिए ही यह चुनाव लड़ा था। लेकिन तीसरा एंगल, जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल है, कि अगर मुकेश सहनी खुद यानी वीआईपी पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी नीलाब सिंह कुढ़नी से उपचुनाव जीत जाते हैं तो फिर मुकेश सहनी का बल्ले बल्ले हो जाएगा। मुकेश सहनी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि हमने जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार किया, आज मैंने दोनों पार्टी को हरा दिया, और बाकी तमाम दल जो राजनीति वहां कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी हरा दिया और हमारी जीत हो गई। यानी हर तरह से मुकेश सहनी को फायदा पहुंचने वाला है, और फायदा इसलिए पहुंचने वाला है कि मुकेश सहनी को जिसने भी ये दिमाग दिया है, मुकेश सहनी ने जिसके कहने पर इस तरह का फॉर्मूला का यूज कुढ़नी के उपचुनाव में किया है, वो लगता है अब कारगर साबित हो जाएगा। कुछ दिन रह चुके हैं, मात्र कुछ दिन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मुकेश सहनी हर हाल में कुढ़नी जीत चुके रहेंगे। और अगर अभी भी आपको अगर डाउट लगता है कि मुकेश सहनी चुनाव हार रहे हैं, मुकेश सहनी कुढ़नी हार गए हैं, तो आपके लिए डिबेट का ऑप्शन खुला है। चुनाव का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप आकर के हमसे डिबेट कीजिएगा और यह साबित कर दीजिएगा कि मुकेश सहनी कैसे हार गए। क्योंकि मैंने जो तीन फैक्टर आपको बताया है, अगर भाजपा चुनाव हारती है फिर भी मुकेश सहनी जीतते हैं, अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है फिर भी मुकेश सहनी चुनाव जीत रहे हैं, अगर मुकेश सहनी की पार्टी यानी वीआईपी के कैंडिडेट नीलाब सिंह वहां से चुनाव जीतते हैं तो यह सबसे बड़ी जीत मुकेश सहनी की हो जाएगी। यानी तीन फैक्टर जिसके पक्ष में हो उसका चुनाव हारना आज के इस राजनीति के दौर में बड़ा
बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई एवं बहनों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, क्योंकि मुकेश सहनी अब कुढ़नी का चुनाव लगभग लगभग तो जीत ही चुके हैं और जनता के दिलों पे तो राज कर ही चुके हैं। अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो आप आइए हमसे डिबेट कीजिए। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप मेरे फेसबुक पे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार हम कुढ़नी के उपचुनाव पर आपको अपडेट दे रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिए, हम आपको इसी तरह का अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। पुरुषोत्तम को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।